हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी साइंस क्लासेस में। और आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इन दिस चैप्टर यू मे लर्न अबाउट द एनर्जी एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट और गुड और आइडियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यानी देखिए, इस चैप्टर में आप लोग जो है जो एनर्जी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एनर्जी के अलग अलग स्रोत, यानी एनर्जी को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और देखिए, जो एनर्जी के अच्छे स्रोत हैं उनकी क्या क्या खास बात होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज एनर्जी, यानी ऊर्जा क्या है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। यानी जो हमारी कार्य करने की कैपेसिटी होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। यानी जो हमारी वर्किंग क्षमता है, यानी कार्य करने की क्षमता है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ऐसे सोर्सेस के बारे में जो क्या है, एक जो है जो एनर्जी का सोर्स है उसको क्या है, बेस्ट बना देता है। यानी देखिए, जो एक एनर्जी का सोर्स जो है आइडियल कब हो सकता है, जब उनके अंदर क्या है, देखिए ये सभी चीज़ें जो है पाई जा सकती हैं। जैसे कि हम बात करें, देखिए, या फिर हम इसको कह सकते हैं फ्यूल, यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोर्स या गुड या बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी या फ्यूल। देखिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी देखिए अगर हम बात करें हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका मतलब यह है, देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन वन यूनिट ऑफ अ फ्यूल वर्न इज नोन एज हाई कैलोरीफिक, इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू जो है अच्छी होनी चाहिए एक एनर्जी के स्रोत की, क्योंकि देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है, यानी एक किलो अगर हम किसी ईंधन को जला रहे हैं तो एक किलो जलाने पर क्या है, एक यूनिट जलाने पर क्या है, वो कितनी मात्रा में जो है एनर्जी, यानी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी एक किलो जलाने पर भी क्या है, अच्छी मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। दिस इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बेस्ट और गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज द हाई
ignition, temperature. यानी द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बर्न is known as ignition temperature. देखिए जो अच्छे sources हैं energy के, यानी जो अच्छे fuel है, अच्छे ईंधन है, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, यानी द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बर्न इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना आरंभ कर देता है वह उसका इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप कहलाता है। यानी जितना ज़्यादा हाई जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी से क्या है वो उतनी ही आसानी से क्या है वो ईंधन जो है जलना आरंभ कर देता है। अब जितना लो होगा उतना ही वो क्या है देखिए जलने में जो है टाइम लगाएगा। इसलिए क्या है देखिए अच्छे ईंधन की खास बात ये होती है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है हाई होता है, यानी आसानी से वो आग को पकड़ लेता है। नो हार्मफुल रेसिड्यू यानी इको फ्रेंडली। देखिए दिस इज आल्सो अ मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी मीन्स फ्यूल, यानी नो हार्मफुल रेसिड्यू। यानी देखिए ये भी क्या है एक अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एक एनर्जी के फ्यूल के अच्छे स्रोत की, क्योंकि यानी जो ईंधन है वो क्या देखिए ऐसा होना चाहिए जिसको क्या है इन्वायरमेंट को या इन्वायरमेंट में रहने वाले दूसरे जीव जंतुओं को पेड़ पौधों को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हो रही हो। यानी अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने पर क्या है किसी दूसरे जीव को किसी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए, यानी वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, यानी पर्यावरण को जो है किसी भी तरह से क्या है वो हानि नहीं पहुँचा रहा हो। ये भी क्या है देखिए एक करेक्टरिस्टिक्स है जिससे क्या है हम पता लगा सकते हैं जो ईंधन है वो क्या है देखिए वो एक कह सकते हैं एक अच्छा स्रोत है एनर्जी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोड्यूस लिटिल या लेस अमाउंट ऑफ एश आफ्टर बर्निंग। इट मीन्स यानी देखिए जो एनर्जी के अच्छे सोर्सेस हैं उनकी एक खास बात ये होती है जलने के बाद जो है जो बाद में बेस मटेरियल बचता है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जैसे राख है या ऐश जिसको हम बोलते हैं ये क्या है देखिए ज़्यादा मात्रा में नहीं बचना चाहिए, यानी एक प्रॉपर क्वांटिटी में जो है जो बेस मटेरियल बचा जलने के पश्चात वो बचना चाहिए। ऐसा नहीं देखिए अगर हम जला रहे हैं उसको थोड़ा कम मात्रा में और जो है जो बेस मटेरियल बच रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच रहा है, तो ये भी क्या है एक अच्छी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एनर्जी के अच्छे फ्यूल की। इजीली अवेलेबल इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू स्टोर। देखिए जो एनर्जी के अच्छे सोर्सेस होते हैं उनकी ये भी खास बात होती है जो क्या आसानी से मिलने वाले होने चाहिए,
इजी टू ट्रांसपोर्ट, आसानी से उनको क्या है हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकें, और इजी टू स्टोर, उनको हम क्या है स्टोर जो है आसानी से कर सकें, यानी एकत्रित जो है उनको आसानी से किया जा सके, जिसको क्या है देखिए स्टोर करने में या फिर कह सकते हैं हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या है किसी भी तरह का जो है रिक्स ना हो। ये क्या है देखिए मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ईंधन को क्या है आइडियल फ्यूल जो है बना देती हैं। एक और है देखिए हम कहेंगे इकोनॉमिकली गुड, इकोनॉमिकली गुड यानी नॉट कॉस्टली। दिस इज ऑल्सो अ मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट इट मस्ट बी इकोनॉमिकली गुड, यानी ये क्या है देखिए एक अच्छे सोर्सेज की पहचान होती है क्या है वो इकोनॉमिकली गुड होने चाहिए, यानी नॉट कॉस्टली ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा महंगा कोई एनर्जी का सोर्सेज है तो वो भी क्या है एक अच्छी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एनर्जी के फ्यूल की, यानी ये सभी क्या थी देखिए हमने जो मेन करेक्टरिस्टिक्स थी एनर्जी के फ्यूल की वह सभी थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के उन सभी सोर्सेज के बारे में, यानी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए अगर फर्स्ट हम सोर्सेज की बात करें एनर्जी का तो वह है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, देखिए कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी इनको हम हिंदी में कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। देखिए क्या होते हैं ये कन्वेंशनल या परंपरागत सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी द सोर्सेस ऑफ एनर्जी which have been in use since a long time is called are called conventional sources of energy। देखिए conventional sources of energy कौन से होते हैं, यानी ऐसे स्रोत ऊर्जा के जो बहुत लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं उन्हीं को हम क्या है conventional sources of energy कहते हैं। ये कई सारे होते हैं, जैसे हम वन बाई वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो है कोल, यानी कोयला। देखिए जो कोयला है ये क्या है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस के थ्रू बनता है। अगर हम देखें कोयला तो अब से जो है देखिए करोड़ों वर्ष या उससे भी अधिक समय पूर्व कोई दुर्घटना ऐसी घटी होगी, कोई एक्सीडेंट नेचुरल एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिससे क्या है देखिए जो जंगल थे जो पेड़ पौधे थे वो क्या है मिट्टी में दब गए, और जो धरती है जो मिट्टी है उसका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होने के कारण जो है जो पेड़ पौधे मिट्टी में दबे थे वो धीरे धीरे क्या है कोयले के रूप में बदल गए। आज हम इसी को जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए बता देते हैं जो कोयला है ये क्या है एक लिमिटेड सोर्सेस है एनर्जी का, यानी जिसको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी,
यानी जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहलाते हैं एनर्जी के, क्योंकि इनको रीन्यू होने में क्या है, बहुत लंबा समय लगता है। ये कोई भी रैपिड एक्शन या रैपिड प्रोसेस के द्वारा रीन्यू नहीं हो सकते, इनको जो है रीन्यू होने में यानी दोबारा बनने में क्या है, बहुत बड़ा समय लगता है। इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाते हैं एनर्जी के, जैसे कोयला। नेक्स्ट इज पेट्रोल, पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम भी क्या है, जैसे कोयला है वैसे ही क्या है, पेट्रोलियम भी है, क्योंकि पेट्रोलियम भी क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है एनर्जी का, इसको भी क्या है बनने में बहुत बड़ा समय लगता है। देखिए पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, यानी पेट्रोलियम का निर्माण देखिए अब से जो है करोड़ों या उससे भी अधिक समय पूर्व जो है, जो जहाँ पर समुद्र थे और वो कोई प्राकृतिक घटना की वजह से क्या है, जो समुद्र थे वो मिट्टी के अंदर दब गए और उसमें रहने वाले जो जीव थे वो भी मिट्टी के अंदर दब गए, और मिट्टी का हाई प्रेशर और हाई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर होने की वजह से क्या है, देखिए वो स्लोली स्लोली क्या है पेट्रोलियम के रूप में बदल गए। आज हम क्या है देखिए, जो अपने वाहन होते हैं मोस्टली वो क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी जैसे डीजल है, कैरोसिन है, और डीजल पेट्रोल और क्या है कैरोसिन, और भी क्या है देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इनसे प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं से ही जो है चलाते हैं, यानी कह सकते हैं हम देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है आज बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। नेक्स्ट इज़ द हाइड्रल एनर्जी, यानी द एनर्जी विच ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रल एनर्जी। देखिए वह ऊर्जा जो बहते हुए पानी से प्राप्त की जाती है उसी को हमें हाइड्रल एनर्जी कहते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, देखिए जो हाइड्रल एनर्जी होती है यानी जो नदियां होती हैं या पानी को बहने का जो प्राकृतिक रास्ता होता है, उस रास्ते में क्या करते हैं हम डैम बना देते हैं, बांध बना देते हैं। अब जब बांध बनाते हैं तो क्या होता है, देखिए पानी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है। अब एक तरफ क्या है पानी इकट्ठा होता है और इस पानी को क्या करते हैं हम बहुत ही हाई प्रेशर के साथ जो है जो टरबाइन होता है उस टरबाइन पे गिराते हैं, और जैसे क्या है देखिए ये पानी जो है बहुत तेजी से गिरता हुआ क्या है टरबाइन पे गिरता है, वैसे क्या है टरबाइन जो है घूमना शुरू कर देता है, और ये टरबाइन जो है किसी इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है बिजली बनाने का काम कर देता है। इस तरह से क्या है हम बहते हुए पानी के अंदर जो एनर्जी है उसको क्या है देखिए यूज़ में लेकर आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसको क्या कर देते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। और देखिए इसके अलावा भी क्या है देखिए हम बहुत सारा जो है जो पानी की एनर्जी है अलग अलग एनर्जी के रूप में जो है बदल कर उसको यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द विंड एनर्जी, यानी द एनर्जी विच ऑब्टेन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। यानी देखिए वह ऊर्जा जो क्या है जो वायु की चलती हुई हवा की काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा से प्राप्त की जाती है वही क्या है विंड एनर्जी कहलाती है। और इसको प्राप्त करने के लिए अगर हम देखें तो आपने देखा होगा देखिए जो विंड मिल होती है यानी पवन चक्कियाँ जिसको हम बोलते हैं ये लगाई जाती हैं, इसमें क्या देखिए बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं और जब हवा जब देखिए तेज़ी से चलती है तो ये पंखे जो है घूमना शुरू कर देते हैं।
जब ये पंखे घूमते हैं तो इनके साथ जो है जनरेटर अटैच कर देते हैं, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इस विंड की काइनेटिक एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। या इसके द्वारा देखिए हम जो है जो ट्यूबवेल्स होते हैं उससे वाटर ड्रॉ कर सकते हैं, पानी जो है बाहर निकाल सकते हैं मिट्टी से, इन जो विंड मिल होते हैं पवन चक्कियाँ जो होती हैं इनके द्वारा ही। और देखिए ये जो विंड एनर्जी थी, जो हाइड्रल एनर्जी, इनकी कुछ ड्रॉबैक है, इनकी कुछ कमियाँ हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रल एनर्जी जो है, इसको जो है बनाने के लिए एक बड़ा एरिया जो है वाटर से कवर हो जाता है। अब जिसकी वजह से क्या, देखिए जो नेचुरल वेजिटेशन है यानी प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं उनको काटना पड़ता है। इस वजह से क्या, देखिए हम जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है, उसको जो है हानि पहुँचा रहे हैं। अगर हम बात करें देखिए विंड एनर्जी की एक ड्रॉबैक ये है, यानी ये क्या है, उन क्षेत्रों में ही क्या है देखिए काम कर पाती है जहाँ पर क्या हवा तेज़ चलती है। यानी देखिए जो विंड मिल होती है पवन चक्की है, ये क्या है देखिए लगभग मोस्टली उन क्षेत्रों में लगती है जहाँ पर हवा क्या है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती हैं। अगर उससे कम चल रही हैं तो ये जो है विंडमिल नहीं काम करती हैं, यानी साल भर क्या है वहाँ पर हवाएं तेज़ चलनी चाहिए। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट बात करें एनर्जी की, नेक्स्ट इज द बायो मास, यानी द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड इज कॉल्ड बायो एनर्जी। देखिए वह एनर्जी जो क्या है, देखिए प्लांट यानी पेड़ पौधों के बेस मटेरियल से तैयार की जाती हो, या जो एनिमल होते हैं जीव जंतु उनके बेस मटेरियल से तैयार की जाती हो, उसी को हम क्या बायो एनर्जी या बायोगैस भी कहते हैं। और ये सभी क्या है जो बेस मटेरियल है ये बायोमास कहलाता है। कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए गोबर गैस जो है एक बायो एनर्जी का एग्जाम्पल है। और इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए एक बड़ा सा गड्ढा या फिर टैंक बना लेते हैं, और इस टैंक के अंदर क्या है देखिए हम पानी मिलाकर जो है जो काउडंग यानी गोए जो जानवर होते हैं, या जैसे गाय का गोबर भैंस का गोबर, इसको जो है इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको क्या है हम देखिए लगभग 6 से 7 दिन के लिए जो है कवर कर देते हैं। और देखिए 6-7 दिन बाद क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के अंदर मौजूद रहते हैं वो क्या करते हैं स्लोली क्या है जो ये बेस मटेरियल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करते समय क्या है देखिए जो बहुत सारी गैसें भी निकालते हैं, जिनमें से क्या है जैसे बात करें हम मीथेन, लगभग 70% मीथेन होती है, और भी देखिए बहुत सारी गैसें हैं जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये गैसें जो है उत्पन्न होती हैं। और यही गैसें क्या है नेचुरल गैस या फिर कह सकते हैं बायोगैस के रूप में हम एज ए ईंधन इस्तेमाल करते हैं। इनको जो है देखिए सिलेंडर में भर लिया जाता है, और भरने के पश्चात जो है हम इनको अपने डोमेस्टिक यूजेस में लेकर आते हैं। ये सभी थे देखिए जो आप आज हमने पढ़े हैं वो है कन्वेंशनल सोर्सेस यानी परंपरागत सोर्सेज जो बहुत लंबे समय से यूज़ में लाए जा रहे हैं और आज भी लाए जाते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही। अगर प्यारे बच्चों ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में अपने जानकारियों में फैलाएं ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें। थैंक यू।